नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के थ्रू जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में TGT टेट आर्ट्स का, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आज हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2.5 घंटे का जो है समय आपके पास जो है अटैम्प्ट करने के लिए दिया गया था। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो जो है 4 सेशन में जो क्या है वो बटा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जो सेशन जो था साइकोलॉजी, सेकंड था इंग्लिश और थर्ड था सोशल स्टडी और फोर्थ जो है वो है जनरल स्टडी। तो इस जो वीडियो में है वो हम सेशन थर्ड और फोर्थ जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो सेशन है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन था सोशल स्टडी, ये जो है मेरे पास बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। कौन से सीरीज़ का है? बी सीरीज़ का है। तो आप जो है अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है आंसर जो है मैच कर ले, क्वेश्चन जो है मैच कर ले। तो 61 जो था सीरीज बी में, वो था भारत का बिस्मार्क कौन था, भारत का बिस्मार्क कौन था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर होना था वो होना था सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन था? मुद्रा राक्षस पुस्तक जो थी वो किसकी रचना थी? 63 का जो आंसर है ये होगा बी, विशाखा दत्त। नेक्स्ट जो था वो था, किस सिख गुरु ने फारसी में जो है वो जफरनामा लिखा था? किसने लिखा था ये? इसका जो आंसर आना था वो आना था ए, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, चतुर्थ विश्व किन देशों के समूह या किन देशों के समूह को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है तेल उत्पादक देश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट होना था। नेक्स्ट है, 66 प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज किस भारतीय शासक के जो है शासनकाल में भारत आए थे? ये जो आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी इनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, चौथ क्या है? चौथ क्या है? चौथ जो है एक तरह का कर था जो क्या है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों के पर जो क्या है लगाया गया था, मराठा साम्राज्य तो था उसके अंतर्गत जो क्या है ये कुछ कर जो है वो एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है 68, 1957 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर है वो कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? 68 आंसर जो इसका था वो था ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक जो है वो कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? 69, 69 का जो आंसर है वो होगा वी, वंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को जो है संघ की राज्यभाषा का जो है दर्जा दिया गया है? 17 का जो आंसर था वो था बी, अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट है, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था ये? आंसर इसका जो आना था वो होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने, तो आंसर आना था ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को जो है संघ की राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है? अच्छा, ये हो गया था, ये दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 73 था, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा 73 का वो होगा ए, ये होता है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट था, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे गए थे कि कौन थे? 74 का जो होगा वो होगा बी, सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट है, 75 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा या संशोधन द्वारा मत या वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ये जो था वो था 61वां संवैधानिक संशोधन में जो क्या हुआ था, मत देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होना था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को
शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होना था। नेक्स्ट है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका आंसर होना था ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर एक जो है सही था। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है, भारत में बीबी का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर है सी औरंगाबाद में। नेक्स्ट है 79, सहारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे, ये जो थे वो थे मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट था। ये जो है मेरे पास बी सीरीज का जो है क्वेश्चन पेपर है, अपने जो क्वेश्चन है वो मैच कर ले अपने अपने सीरीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो है वो कौन था, 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट है वो कौन था, इसका जो आंसर था वो होगा बी जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य, तो इसमें जो है टोटल जो है 15 है, 5 स्थाई है बाकी 10 जो है अस्थाई है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की क्या है रामायण भी कहा जाता है, उसके रचनाकार पूछे थे, तो इसका आंसर आना था 82 का ए अश्व घोष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेवा करने का जो है गौरव प्राप्त है, ये जो थे वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अन ऑफिशियल है, ऑफिशियल आंसर नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को जो है बिल्कुल सही आंसर जो है मालूम है उसका, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जो है ज़रूर टाइप करें, ताकि जो है सही आंसर का जो है हमें भी पता लग सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो ये जो है वो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए धन विधेयक जो है हमेशा क्या कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट जो था वो था वायुमंडल की कौन सी परत जो है वह बादल से विहीन है, बादल से विहीन थे विहीन है, ऑप्शन नंबर एक था सौरमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा समतामंडल, जो किससे जो है बादल से जो है विहीन होती है, इसीलिए जो है अधिकतर जो क्या है हवाई उड़ाने वगैरह भी वो इसी परत से संबंधित है, और शो मंडल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसे जो है वेदर फैक्ट्री कहा जाता है, मौसम फैक्ट्री, यानी कि सारे जो मौसम संबंधी जो घटना है वो उसी से जुड़ी है। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि भारत को जो है श्रीलंका से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है, 86 का जो आंसर था वो था बी पाक जल संधि। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा जो है कौन सा है, 87 का जो है वो होगा सी वर्नियाल दर्रा, कौन सा दर्रा है वर्नियाल दर्रा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही था। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए था हिमाचल प्रदेश, ये नहीं होगा, दूसरा था महाराष्ट्र, ये भी नहीं होगा, ओडिशा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोपेन जनजाति पाई जाती है, 89 शोपेन जो जनजाति है उसका जो आंसर है वो होगा बी निकोबार द्वीप में। ये जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान स्तर है, ये जो है वो है तीसरा स्तर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चरमपंथी जो क्या है नेता थे, चरमपंथी जो नेता थे वो थे अरविंद घोष, कौन थे अरविंद घोष, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आना था। बीटो किस भाषा का शब्द है, बीटो जो है वो है लेटिन भाषा का, तो ऑप्शन नंबर ए आना था इसका। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेता और चरमपंथी जो नेताओं में वो क्या है विभाजन हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था सूरत अधिवेशन के तहत, तो इसका आएगा ए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का जो सबसे बड़ा जो क्या है पेनिनसुला जो है वो होगा अरब प्रायद्वीप, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट होना था। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु जो है
बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। इसका जो आंसर आना था वो आना था डी उपगुप्त। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन थे दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और बम्बई। 96 का जो आंसर आना था वो आना था डी मुंबई से जो है ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर आना वो आएगा ए 1909 ना जो संवैधानिक संशोधन था। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये जो अनुच्छेद है वो है 21A। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होना था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय जो है देश का राष्ट्रपति कौन था। उस टाइम जो देश का राष्ट्रपति था 99 का जो है वो आएगा बी फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट जो है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया। इसका जो है वो बी आना था 22 जुलाई 1947। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है यह है 101। इसका जो है मेरे को जो लग रहा है वो लग रहा है इनमें से कोई भी नहीं। बाकी जो है अगर आप लोगों को सही आंसर मालूम हो तो प्लीज़ जो है कमेंट में जाके ज़रूर टाइप करें। तो ये जो है मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा ठीक से। तो फाइनल आंसर की जब आएगी तो ठीक से पता लगेगा। बाकी जो है अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 100 क्वेश्चन नंबर 102 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का जो है प्रावधान किया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर होना था वो होगा डी अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब लागू हुआ था। ये हुआ था 1972 को। ऑप्शन नंबर सी रबड़ का संबंध जो है किस प्रकार की वनस्पति से है। ये जो है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट है 105 निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर जो है किस में प्रयुक्त होता है सीमेंट में। नेक्स्ट है सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है वो कौन सा है। ये जो है वो नॉर्वे था फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और चौथे में हांगकांग है। नेक्स्ट है तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तीन ओर से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है प्रायद्वीप। तीन ओर से कहा गया है, अगर चार ओर से कहा जाता है फिर होता है द्वीप। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर जो क्या वो बनाया गया है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 108 इसका जो आंसर होगा वो होगा बी चंबल नदी पे, ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पुवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ये जो लिखी थी क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर होगा ऑप्शन थे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी और शशि थरूर। तो इसका जो आंसर है सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि जो है वो किसने दी थी। ऑप्शन थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन जो इसका जो है वो होगा सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 111 का जो है वो आना है सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना वो किसने की थी। ये जो की थी वो की थी भगत सिंह ने। तो ऑप्शन ए जो है सही होना था। नेक्स्ट है वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर धरा कटिबंध से होकर जाती है। तो ये जो है वो होगा अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से जो क्या है तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी होना था। जिसने भी सी लगाया होगा उसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट था पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो थे चालुक्य वंश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी आना था इसका। नेक्स्ट है अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था। 115 ऑप्शन नंबर
इसका जो है बी सही होगा मराठी में। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल सबसे कम था, सबसे कम था, सबसे कम किसका रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो नहीं है ऑप्शन में। तो उसके बाद जो कम रहा था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मेरे को लग रहा है 2.5-3 साल का जो है शासनकाल था इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में जो है किस नाम से जाना जाता है, ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, कानपुर में 1857 ईस्वी के जो संग्राम का नेतृत्व है वो किसने किया था, इसका नाम था बी नाना साहेब ने, किसने किया था, नाना साहेब ने। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का यूज हुआ है, पुरंदर शब्द का यूज हुआ है, ये जो हुआ है वो हुआ है इंद्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आना था। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन जब भी होता है संसद का तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। नेक्स्ट है सेशन फोर जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो राज्यसभा के कितने सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश में, 2, 4, 3, 1। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो होगा सी, 3 जो है वो राज्यसभा की है और 4 लोकसभा की है। नेक्स्ट है सिरमौर के पजोता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, ये जो होगा 122 का वो आएगा ए वेद सूरज सिंह। नेक्स्ट है मेजर सोमनाथ को परमवीर चक्र मरणोपरांत जो है दिया गया था वो किस रेजिमेंट के मेंट में जो है थे, ये थे डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट, तो इसमें जो है सही आंसर जो है वो है बी कुमाऊं रेजिमेंट। नेक्स्ट है कांगड़ा जिले में कितने जो है विधानसभा क्षेत्र है, कांगड़ा में जो है अभी अभी जो है विधानसभा चुनाव हुए आप लोगों को पता ही है, तो इसका जो आंसर है वो होगा कांगड़ा में कितने है 15, सबसे अधिक जो है विधानसभा क्षेत्र जो है कांगड़ा में ही है 15। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले में है, पिन वैली जो है ये है लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन नंबर बी आना था। 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है, ये जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच, किसके बीच है, कनाडा और अमेरिका बीच, तो सी जो है इसका आना था। नेक्स्ट है यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है वह चुनाव हो गए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6, वहाँ पे जो क्या है 6 महीने के अंदर अंदर जो क्या है वह फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम जो है क्या है, प्रथम लोकपाल का नाम जो है भारत का जो था लोकपाल उसका नाम क्या है, 128, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 129, संविधानिक संशोधन अधिनियम 2016 जो है किससे संबंधित है, ये जो था वो था GST वस्तु एवं सेवा कर से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तांबा जो है सर्वाधिक जो कहाँ पे होता है वो होता है चिली में, 130 का जो है वो आना था बी चिली। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच जो है कौन सी पर्वतमाला है, तो इसका जो आंसर आना है वो आएगा यूराल जो पर्वतमाला है ये दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जिसे जो हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते अगर जो है कभी वो समाप्त हो गया, तो इसमें ऑप्शन थे जल, ताप, सौर और पवन, तो इसका आंसर आना था बी ताप, बाकी पानी को भी कर सकते हैं, सौर को भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी विंड्स एनर्जी को भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो इसका आना था बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की जो है किस महिला को स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है नियुक्त किया
गया है। 133 का जो है वो होगा सी, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन जो है मई 2022 जो है कहाँ पे हुआ। 134 का जो है वो होगा ए, ये टोक्यो में। नेक्स्ट है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2022 में जो है 15वें संस्करण में जो है पर्पल कैप का खिताब जो है किस खिलाड़ी को मिला है। ये जो मिला है वो मिला था युजवेंद्र चहल को, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आना था। नेक्स्ट है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं। ये जो बने हैं इसका जो आंसर है वो होगा बी, एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 136वीं रैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए आना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, सिरका एस्ट्रिक कमल में होता है, ये सही है। संतरा जो है, संतरे में जो है सिट्रिक कमल होता है, सिरके में होता है एसिटिक कमल, संतरे में होता है सिट्रिक कमल, इमली में होता है टार्टरिक कमल और दूध में होता है ऑक्सीलाइक, ये गलत है, बाकी जो है सारे सही है, तो ऑप्शन डी आना था। ऑप्शन डी, दूध में जो है कुछ और होता है, लैक्टो ऐसे ऐसे कुछ अमल होता है, मेरे को ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका होना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्ट्रेंजर गैस जो है किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर आना था वो था सी, जीनॉन। 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने जो है प्रथम पंचायती राज जो है वो कानून बनाया था। 140, 140 का जो है आंसर आएगा डी, मंडी। नेक्स्ट है जापरो नृत्य किस क्षेत्र का जो है नृत्य है। जापरो नृत्य जो है ये इसका जो क्या है आंसर जो है मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, कांगड़ा चित्रशैली का जो है मुख्य विषय क्या है। तो इन इसका जो मुख्य विषय जो है युद्ध क्षेत्र, राजदरबार, प्राकृतिक सौंदर्य या राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था, राधा कृष्ण। नेक्स्ट है मंडी शिवधाम का निर्माण जो है कौन सी थार में किया जा रहा है। ये जो थी वो थी कांगड़ी धार, कौन सी धार में किया जा रहा है, कांगड़ी धार, तो ऑप्शन सी आना था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से है। रेणुका ठाकुर जो है वो है शिमला जिले से, शिमला के रोहडू से है वो, तो ऑप्शन नंबर डी आना था इसका। नेक्स्ट है 145, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के जो है किस राज्य से संबंधित है, ये जो है वो है ओडिशा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में जो वो कहाँ हुआ था। 146 का जो है वो होगा डी, बर्मिंगम। फिर क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था वो था मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम पूछा गया था, तो उनका वास्तविक नाम जो था वो था धनपत राय, क्या था, धनपत राय। नेक्स्ट था वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का नाम पूछा था, तो पहला था जो बाइडन, ये तो नहीं क्योंकि ये क्या है राष्ट्रपति है, कमला हैरिस, माइक पेस, इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा कमला हैरिस, तो ये जो है बी जो है इसका सही होना था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला जो है शिवालिक श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी में आता है, कांगड़ा ये तो नहीं होगा, ये धौलाधार में आता है, लाहौल स्पीति ये भी नहीं होगा, किन्नौर ये भी नहीं होगा, उन्ना ही आएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी इसका जो क्या है सही है, उन्ना। मणिमहेश मंदिर जो है भरमौर में स्थित है वो किसने बनाया था। लास्ट क्वेश्चन था आपका कि मणिमहेश मंदिर जो है भरमौर में जो है स्थित है किसने बनाया था, इसका ना था ऑप्शन नंबर डी, साहिल वर्मन ने। तो ये जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ जो क्या है पार्ट था, बाकी जो है पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।